Hello students, this is class 6 and now we are continue our chapter number 1st, which name is motion and measurement of distance, which is taken from physics. So students, in previous day we already did our exercise, that means let's try second of this chapter. This is let's try second and I already taught you. Okay, so now we move further and we are starting the new topic which is correct measurement of length. So कल हम लोग ने देखा था उसकी एक्सरसाइज देखी थी एंड इसके पहले वाला जो टॉपिक था वो मेजरमेंट और लेंथ को ही लेके था कि हम लोग जो कैसे स्टैंडर्ड मेजरमेंट काउंट कर सकते हैं एंड दैट व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड मेजरमेंट. सो यहाँ तक के हम लोग ने देख लिया था, अब हम लोग देखेंगे कुछ करेक्ट मेजरमेंट और लेंथ के कुछ एग्जाम्पल्स. सो हियर वी हैव टू एग्जाम्पल्स, वन इज अ स्केल एंड सेकेंड इज इंच टेप या मेजरिंग टेप, वी कैन से दैट. सो यहाँ पर ये जो दो चीज़ें हैं इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं, लेंथ को, हाइट को. ओके, सो ये चीज़ मेजर की जा सकती है. सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड. इफ़ यू हैव अ बुक, सो फर्स्ट स्टूडेंट्स यू हैव टू ओपन योर बुक एंड द पेज नंबर इज 6. ओके, सो करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, तो किस तरीके से हम लोग जो लेंथ है उसको करेक्ट मेजर कर सकते हैं. सो यहाँ पर दो एग्जाम्पल गिविन है. सो हाउ डज अ टेलर टेक योर मेजरमेंट, जो टेलर है, कभी जब आप लोग कपड़े सिलवाने जाते होंगे या स्टिच करवाने जाते होंगे तो आप लोग ने देखा होगा, या फिर आपकी पेरेंट्स मम्मी वगैरह जाती होगी, तो वो किस तरीके से मेजर करता है. एंड हाउ डज अ डॉक्टर मेजर योर हाइट, जो डॉक्टर है हम लोग, मतलब अगर जब हमारे जो फैमिली डॉक्टर्स होते हैं या फिर हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उन लोग जो हमारे हाइट मेजर करते हैं तो वो किस तरीके से मेजर करते हैं. डू दे यूज़ द सेम डिवाइस, क्या वो लोग इस सेम डिवाइस का यूज़ करते हैं. ऑब्वियसली हम लोग इंच टेप का यूज़ कर सकते हैं, मेजरिंग स्केल का यूज़ कर सकते हैं. सो लुक एट द गिवन पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज बाय अ टेलर एंड स्टूडेंट. सो यहाँ पे दो मेजरिंग स्केल्स, मतलब कि डिवाइस दिए गए हैं. फर्स्ट इज मीटर स्केल एंड सेकेंड इज मेजरिंग टेप. सो डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ, किस तरीके से हम लोग मेजरिंग लेंथ को डिवाइस, मतलब कि यूज करते हैं. सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरिंग डिवाइस टू मेजर लेंथ, विथ और हाइट ऑफ समथिंग. कॉमनली यूज मेजरिंग डिवाइसेस आर डिस्कस बिलो. तो यहाँ पर काफ़ी सारे, मतलब कि लेंथ को, विथ को, हाइट को, उसकी उसको मेज़र करने के लिए काफ़ी सारे जो डिवाइसेस है, मतलब कि होते हैं, अवेलेबल होते हैं, और इसमें से कुछ जो डिवाइस है यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट है रूलर और मीटर स्केल. जो पहला है वो क्या है, रूलर या फिर मीटर स्केल. सो देखते हैं, इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द साइज. इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं स्टूडेंट्स, मेजरिंग द साइज, जिसमें हम लोग उसकी लेंथ नापते हैं, ब्रेथ नापा करते हैं, मतलब कि मेजर करते हैं, हाइट को मेजर करते हैं, विथ को मेजर करते हैं. सो स्ट्रीट ऑब्जेक्ट्स फॉर एग्जाम्पल्स, द लेंथ ऑफ अ बुक एंड द विथ ऑफ अ रूम. तो इसमें किस, मतलब कि जो स्ट्रीट ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे अगर हमको किसी भी रूम की लेंथ नापनी हो कि वो जो बुक है जो कितनी बड़ी है, या फिर किसी भी रूम की विड्थ, चौड़ाई नापनी हो कितना चौड़ा है, तो उसके लिए हम लोग इस टाइप के, मतलब कि जो मीटर स्केल्स है उसका यूज़ करते हैं, या फिर जो मीटर टेप है, मेजरिंग टेप, उसका यूज़ करते हैं, इंच टेप जिसे बोला जाता है. सेकेंड इज मेजरिंग टेप, इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द साइज, लेंथ, ब्रेथ, हाइट एंड विड्थ. जबकि जो इसका यूज़ है वो किस में किया जाता है, लेंथ को काउंट करने में, ब्रेथ को काउंट करने में, हाइट को काउंट करने में एंड विड्थ यानी कि चौड़ाई को काउंट करने में किया जाता है. बोथ स्ट्रेट एंड कर्व ऑब्जेक्ट्स फॉर एग्जाम्पल्स द साइज ऑफ अवर चेस्ट और द हाइट ऑफ पर्सन. तो देखिए इसमें, मतलब कि लंबाई और ये इस तरीके से जो चौड़ाई होते हैं, लेंथ एंड विड्थ दोनों ही काउंट होते हैं. सपोज अगर हम लोग को अपने बॉडी का मेजर करना है तो हम लोग जो टेलर है वो इससे, मतलब कि इस तरीके से मेजर करेगा, और अगर हमको अपने हाइट का मेजर करना है तो हम इस तरीके से करेंगे, मतलब कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली दोनों ही इसमें मेजर क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स, काउंट हो सकते हैं. नाउ आई एम मूविंग अहेड. ओके, होप आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आ गया होगा. जो स्केल है वो सिर्फ वर्टिकली उस चीज़ का, किसी भी चीज़ को काउंट किया जा सकता है, जबकि यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही तरीके से मेजर किया जा सकता है. सो टू टेक करेक्ट एक्यूरेट मेजरमेंट वी नीड टू चूज प्रॉपर मेजरिंग डिवाइसेस. तो अगर हमको किसी भी चीज़ का मेजर, मतलब कि मेजरमेंट करेक्ट चाहिए तो हमको क्या होना पड़ेगा स्टूडेंट्स, मेजरिंग, मतलब कि एक प्रॉपर मेजरिंग डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है. द चॉइस ऑफ अ मेजरिंग डिवाइस डिपेंड्स ऑन, तो जो चॉइस है, मतलब मेजरिंग डिवाइस की जो चॉइस है वो किस किस पर डिपेंड करती है. द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड,
तो जो साइज है, मतलब कि जो कोई भी चीज को हम लोग ऑब्जेक्ट कर रहे थे उसका साइज एक्चुअली में क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वो पर्टिकुलर डिवाइस का यूज करेंगे. सेकेंड है द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट बी मेजर, डिपेंड करता है कि हमको किस शेप में. अगर मुझे इस पेंसिल की लेंथ नापनी है तो मैं स्केल के थ्रू नाप सकती हूँ, ओके. बट अगर अगर मुझे इसकी गोलाई नापनी है कि ये कितना गोल है कितना चौड़ा है, तो क्या स्केल थोड़ी ना मूव करेंगे वहां पे. वहां पे हम लोग इंच टेप यूज करेंगे कि कितना मोटा है ना. तो वैसे ही बता रहा है कि उसकी जो साइज क्या है, जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, पेंसिल क्या है, दिस इज द ऑब्जेक्ट. तो इस ऑब्जेक्ट की अगर मेरे को लेंथ नापना है तो मैं स्केल का यूज करूंगी. सेकंड डिपेंड करता है कि उसका शेप कैसा है. अब अगर शेप में मुझे इसकी गोलाई नापना है तो मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, मेजरमेंट के लिए इंच टेप का यूज करना पड़ेगा. तो यही वो बोल रहा है कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की साइज क्या होना क्या है, एंड उसका ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो कैसा है, और क्या हमें मेजर करना है, ये भी चीज उसमें डिपेंड करती है. प्रिकॉशन टेकन ड्यूरिंग मेजरमेंट, तो क्या क्या प्रिकॉशन हमें मतलब कि फॉलो करना चाहिए मेजरमेंट को, मतलब कि किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करते समय. सो फर्स्ट है यहाँ पे, द स्केल शुड बी प्लेस्ड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर. तो यहाँ पर क्या है, द स्केल शुड बी प्लेस्ड, मतलब कि स्केल को रखा होना चाहिए अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर, मतलब कि उसी डायरेक्शन में जहाँ से हम लोग को क्या करना है, मेजर करना है किसी भी चीज़ को. देखिए जैसे ये है, ये पर्टिकुलर चीज़ क्या है, ये रॉन्ग है क्योंकि ये तिरछी रखी हुई है. ऑब्जेक्ट यहाँ पे सीधा है बट ये तिरछी, और ये चीज़ क्या है, एक्यूरेट मेजर है. देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इनएक्यूरेट मेजर है क्योंकि स्केल भी यहाँ पे मूव कर रही है, मतलब कि टेढ़ी रखी हुई है, और यहाँ पे एक्यूरेट रखी है मतलब कि स्ट्रेट रखी है, ठीक है. सेकेंड आ जाता है हमारा, मेजरिंग शुड बी डन बाय प्लेसिंग. देखिए जैसे मैं पहले यहाँ पर अपन चलते हैं इस एग्जाम्पल के पास. देखिए यहाँ पे एक जो पिक्चर दिख रही है, यहाँ इसमें क्या बता रहा है कि आप जो भी जो मेजर स्केल रहते हैं, अगर मुझे इस पेंसिल को काउंट करना है तो मुझे इस पेंसिल को जीरो में रखना पड़ेगा. तब इसकी एक्चुअल हाइट में क्या कर सकूंगी यहाँ पे स्टूडेंट, काउंट कर सकूंगी. देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये 6 इंच से थोड़ी सी बड़ी पेंसिल है, ओके. बट अगर बात ये आती है कि ये जो यहाँ पे जो जीरो है वो डैमेज है, ठीक है, अगर ये डैमेज है, ये कटा फटा है, इसके नंबर मुझे सही से नहीं दिख पा रहे हैं, या फिर स्केल जो है वो कॉर्नर से टूटी हुई है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 1 को कंसीडर कर दूंगी, ठीक है, 1 को 0 कंसीडर कर दूंगी, और उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगी स्टूडेंट, साइज लूंगी. अगर सपोज ये 1 भी कटा फटा है और स्केल यहाँ से टूट गई है और मेरे पास 2 से लेके बाकी पूरे नंबर सही है, तो मैं क्या मेजर करूंगी, मैं एज्यूम कर लूंगी कि ये जो 2 है वो 0 है. हम ये 2 को 0 कंसिडर करेंगे और इसके आने वाले नंबर को 0 से स्टार्टिंग मानेंगे, मतलब कि 2 को 0, 3 को 1, 4 को 2, इस तरीके से हम लोग फिर उसके अकॉर्डिंग उसको काउंट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम लोग एज्यूम कर सकते. तो सेकेंड पॉइंट में भी वो यही बोल रहा है, अगर जब भी हमको कोई भी चीज़ को मेजर करना है तो हमें उसके स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कि उसको जीरो में रखना पड़ेगा, और अगर हमारे पास जो जीरो है वो टूटा फूटा है तो हमको 1 में रखना पड़ेगा, या फिर 1 भी डैमेज है तो हम लोग उसको 2 में रखेंगे, और बाकी उसके बाद के नंबर भी डैमेज है तो आपको उस मेजरमेंट को यूज़ ही नहीं करना चाहिए मेजर करने के लिए किसी भी चीज़ को, ओके. आपको नया डिवाइस परचेस करना चाहिए. सपोज अगर ये स्केल के पूरे ही नंबर कटे फटे तो हमारा क्या मेजरमेंट सही आ सकता है, नहीं आ सकता ना. अगर 0, 1, 2 तक के बाद ठीक है, उसके बाद हम लोग मतलब कि लेके कंसिडर कर सकते, बट अगर उसके बाद के भी नंबर हमारे टूटे फूटे हैं, या फिर स्केल टूटी फूटी है, या फिर जो डिवाइस है वही डैमेज है, तो फिर हमारा जो मेजर है वो कभी भी सही नहीं हो सकता. तो फर्स्ट मेजर क्या है हमारा, कि जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर में जो हमारा स्केल है वो सही तरीके से रखा होना चाहिए. तीसरी चीज़ है उसके जो नंबर है जिससे हम लोग डिवाइस में जिस डिवाइस से मेजर कर रहे हैं उसके नंबर सही होने चाहिए, और अगर नंबर सही भी नहीं है तो हम लोग 1 को 0 कंसीडर कर सकते हैं अगर हमारा 0 डैमेज है तो, या हमारा 1 डैमेज है तो हम लोग 2 को 0 कंसीडर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे नंबर को पुट कर सकते हैं, ओके. थर्ड है हमारा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए जिस डायरेक्शन में आप काट रहे हैं ना स्टूडेंट्स, या फिर कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं, तो उसी डायरेक्शन में आपको खड़ा रहना पड़ेगा. सपोज अगर आप तिरछा खड़ा रहेंगे तो देखिए ये जो ए है वो आगे देख रहा है, और ये जो सी है वो इस साइड में अगर तिरछा खड़ा रहेगा तो उसको यहाँ पर दिखेगा कोई भी चीज़, मतलब वो सही से कट नहीं कर पाएगा, मेजर नहीं कर पाएगा. दैट्स वाई जिस भी चीज़ को आपको काटना है तो आपको भी उसकी स्ट्रेट में खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, ओके. तो ये होता है हमारा थर्ड रूल इस चैप्टर का. लुक एट द इमेज गिवन अबव, चलो मैं इसको रीड भी कर देती हूँ, ठीक है. सो लुक एट द इमेज गिवन अबव, 3 स्टूडेंट्स आर टेकिंग द मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ द सेम स्केल एट द डिफरेंट पोजिशन ए बी एंड सी. 3 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो ए बी सी में खड़े हुए हैं और मेजर कर रहे हैं किसी भी चीज़ को.
सो नोट दैट रीडिंग टेकन बाय ए, तो ये जो ए है देखो वो कहाँ पे रीड कर रहा है, इस नंबर पे रीड कर रहा है, जबकि सही जो नंबर है वो बी को दिख रहा है, और जो सी रीड कर रहा है वो उससे जस्ट एक नंबर पीछे जा रहा है। तो यही जो थर्ड रूल है वो क्या बोलता है कि आपको उसी पोजिशन में खड़ा रहना पड़ेगा जहाँ से आप लोग कोई भी चीज़ को कट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ अ कर्व्ड सरफेस और अ कर्व्ड पाथ। सो स्टूडेंट्स, ये दो टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे कल, साथ में करेंगे इसकी एक्सरसाइज। सो आई एम स्टॉपिंग हियर, सी यू सून विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, एंड द टॉपिक नेम विल बी मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ अ कर्व्ड सरफेस और अ कर्व्ड पाथ। सो स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।